शाहिद जट जो पुलिस वाले हैं जिसकी वीडियो वायरल होती है कि आईजी साहब को गालियां दी जा रही हैं, सीसीपीओ साहब को गालियां दी जा रही हैं, उनके इलाके में मौजूद हूं। दो तीन दफा इसने मोहल्ले में भी हंगामा राई की है, यानी कि बोतलें वगैरह तोड़ देनी यहाँ से, ये इधर से डाले में पकड़ के बोतलें तोड़ दी। उसने यहाँ से एक टोका पकड़ा कि ये शाहिद मस्जिद है या अगली मस्जिद है, उसके कारी साहब के जो है माम साहब को लेके वो पड़ गया वहाँ पे। अंदर जो तालबा थे उन्होंने बचाया कारी साहब को, मिशन पे गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, उनकी यानी कि मुकम्मल टीम जो है ना उनका एक्सीडेंट हुआ, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, किसी को कुछ इस पे सर पे चोट लगी है, उसके बाद से इसका ये ना मसला बन गया। तकरीबन दो साल से इसका ये मसला चल रहा है, पिछले आठ साल से ये कह रहे हैं ये बीमार है। जिस SHO के मुतलका यानी कि जिसके वो मेहतायद है उसको ये चीज़ें चाहिए थी ना कि वो देखे इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है या जो भी मामला है इसको देखे अच्छे तरीके से हैंडल करे। अपनी बाइक के ऊपर वो पेशावर चला गया था, उसके घर वालों अहले खाना को किसी ने बताया कि आपका लड़का यहाँ पे पेशावर में घूम रहा है, पेशावर में, पेशावर से लेके जी बाइक के ऊपर गया। शाम को वायरल हुई है वीडियो, उससे पहले वो शाम दोपहर को जब इधर बैठा बड़ा गुस्से में था और इसने आगे यहाँ पे बोतल भी तोड़ी है। आईजी साहब झूठ नहीं कह रहे, उसका मेंटली तोड़ बिल्कुल खराब हो चुका है। मोहल्ले में कोई लड़का पकड़ा जाता था, कोई छोटा मोटा काम होता था, किसी की बाइक पकड़ी जाती थी, वो जाके साथ हेल्प करवाता था। आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, सीसीपी लोर साहब से रिक्वेस्ट है, कहीं नजरसानी की जाए और एज सून एज पॉसिबल उसका इलाज करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा नवीद हूँ और इस वक्त मैं शाहिद जट जो पुलिस वाले हैं जिसकी वीडियो वायरल होती है कि आईजी साहब को गालियां दी जा रही हैं, सीसीपीओ साहब को गालियां दी जा रही हैं, उनके इलाका में मौजूद हूँ, मोहल्लेदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि पुलिस ने उसे पागल करार दे दिया, क्या हकीकत में ऐसा कोई मामला है था कि नहीं था? आबादी वाले बेहतर जानते हैं, इसलिए आबादी वालों के पास आए हूँ। अब उसके 5 बच्चे हैं, मेंटल हॉस्पिटल बताया जा रहा है, उसे मुंतकिल कर दिया, बाकी जो उसकी मेंटल कंडीशन है मोहल्लेदारों से जानता हूँ मौजूद हैं। भाईजन कब से जानते हैं आप शाहिद को? मैं तकरीबन 25 साल से जानता हूं मैं उसको, मेरा दोस्त भी है, मेरा दोस्त भी है, मोहल्लेदार भी है, मोहल्लेदार भी है। क्या ज़हनी तौर पे वाकई उसे कोई परेशानी थी, स्ट्रेस था, या मेंटली तौर पे अभी वो ठीक नहीं था? सही बात है, घरेलू जो मामला जा रहे हैं आजकल जो दौर में जो स्ट्रेस जा रही है, इंसान तो स्ट्रेस देता है ना, चाहे वो किसी भी ओहदे पे है, उसको मसला तो है ना चीज़ों के लिए, ये वजह है। अच्छा, इससे पहले वो ठीक था कि कोई चोट वगैरह लगी? कहते हैं किसी मिशन पे गए थी। हाँ, वो बताया कि वो मिशन पे गया था, उनका मिशन। ये हकीकत है? हाँ, ये हकीकत है, मिशन पे गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, उनकी यानी कि मुकम्मल टीम जो है ना उनका एक्सीडेंट हुआ, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, किसी को कुछ इस पे सर पे चोट लगी है, उसके बाद से इसका ये ना मसला बन गया। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक था? ठीक था, जब से मिशन से वापस आया ना उसका दिमाग जो है ना वो ठीक नहीं, कभी ठीक हो जाता है कभी नहीं, लेकिन वो पहले वाला बेटर नहीं। 2 साल से तकरीबन इसका जो है ना ये मसला चल रहा है कि अब जो है इसकी ज़हनी तवाज़ुन जो ज़्यादा ख़राब हो गया था इन दिनों में, तो तकरीबन 2 साल से इसका ये मसला चल रहा है, पिछले आठ साल से ये कह रहे हैं ये बीमार है। हम जो मोहल्लेदार एज अ मोहल्लेदार देख रहे हैं इसको, ये पिछले 2 साल से इसका ज़्यादा मसला हो रहा था, इन दिनों में आगे ये ज़्यादा यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है ना इसका मेंटली तौर पे बिल्कुल माफ हो चुका था। इतना मतलब मेंटली तौर पे अगर इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी तो मोहल्ले में कोई नुकसान वगैरह भी लाजमी हुआ होगा? किया इसने, 2-3 दफ़ा इसने मोहल्ले में भी हंगामा राई की है, मोहल्ले में भी की, पर कोई एक्शन नहीं उसके ऊपर। क्या हुआ था मोहल्ले में, हुआ थोड़ा सा बता? देखे ना, उसने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो यूनिफॉर्म से हर बंदा आपको पता है वो डरता है, हर बंदा इज्जत करता है यूनिफॉर्म की, तो अब किसी को तो नहीं पता ये मेंटली तौर पे ये पागल हो चुका है या जो भी मसला उसका साथ चल रहा है। तो मोहल्ले में भी उसने 1-2 दफ़ा हंगामा राई की है, यानी कि बोतलें वगैरह तोड़ देनी यहाँ से, ये इधर से डाले में पकड़ के बोतलें तोड़ दी, इस तरह की हरकतें छोटी मोटी करता रहता था। पर ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जिस बंदे ने उसका इंटरव्यू लिया है, मेन बात तो ये, वो एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर जो है उसका क्या हक बनता है कि रोड के ऊपर किसी को रोक के कि उसका इंटरव्यू करे कि आपने हेलमेट पहना हुआ या नहीं पहना हुआ, ना उसके पास कोई वो मीडिया का कार्ड है, ना कोई इस तरह की चीज़ है। बात है कि ठीक है जो मीडिया वाले हैं वो करें, पर उनके साथ भी एक और प्रॉपर तरीका है ना, वो एक वार्डन को लें, वार्डन को लेके रोड पर खड़े हों, तो ये तो वो खुद एक बेवकूफ़ानी हरकत की है उसने। बिल्कुल, आप कितने अर्सा से उसे जानते थे? तकरीबन 20-25 साल से जानते हैं, मेरा तो लंगोटी है ना, इकट्ठा ही एक मोहल्ले में हम इकट्ठा ही रहे हैं, इकट्ठे ही रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था, अच्छा यानी कि मोहल्ले में काम आता था, अगर कोई मोहल्ले का बच्चा पकड़ा जाता था उसको जाके छुड़वा के लाता था, हमारे साथ हेल्प में भी खड़ा होता था।
अच्छा, हर वक्त मदद के लिए तैयार है? मदद के लिए तैयार था, लेकिन कभी कभार उसे ऐसा मसला होता था कि ज़हनी तवाज़ुन उसका बिगड़ जाता था। ये कभी कभार होता था, दो साल पहले कभी कभार होता था। ये अभी जो एक माह से दो 15-20 दिन से ना उसको प्रॉपर ये थोड़ा सा मसला ज्यादा हो गया हुआ था उसका। अच्छा, मोहल्ले में हम लोगों ने थोड़ा सा पता किया, हमें पता लगा क्योंकि टोका वगैरह भी उठा के किसी के पीछे लग गया था वो। नहीं, मैं इधर नहीं था, सारी बात है कि जो मामला था ना वो अगर कहते आंखों देखा ना, आंखों देखा हमने सुना, आंखों देखा तो सारी बात है वही जानता जो वहाँ पे मौजूद है, हमने सुना ही है। लेकिन बात यह है कि एक यूट्यूबर को क्या क्या तुझे पड़ी है कि वो बंदा वो बीच सड़क पे एक दुराहे पे, जाहिर बात है कोई 100 परेशानी इंसान को है, वो जो ड्यूटी से ऑफ करके आ रही है वो छुट्टियों पे है, उसको उसको हरास किया है, उसका जो प्लग है या उसकी कीज वगैरह उतारी है। आपने एक दफ़ा उससे जस्ट आपने इंटरव्यू लिया है, आप मीडिया काम नहीं है बंदे को हेलमेट पहनाना, जारी बात है। एक दफ़ा आपने ओके कर दिया है तो फिर अगर वीडियो थी वो सेंसर ना करता, वो डेट एसपी साहब के या आईजी साहब के ऑफिस में जाकर पेश करता, ठीक है ना, उसका बेहतर हल निकलता। मामला हुआ है, ये मामला तो हुआ है, बेहतर वायरल ना होती, वायरल ना होती। जारी बात है, हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जो उन्होंने उसको सरेआम कहते उसे पर्दा कर दिया, लीक कर दी वीडियो, ये हक नहीं है। अगर वो कोई मेंटली डिस्टर्ब था तो ऑफिस जाते, आईजी साहब से मिलते या सीसीपीओ लोर साहब से मिलते, ओवरऑल चीज़ें इसमें कवर होती हैं। लेकिन सवाल एक ये भी बनता है ना कि 8 साल से एक बंदा जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पता लगा कि एक मिशन में गया, चोट लगी और उसे आप लोग ऑन ड्यूटी रख रहे हैं, किसी को नुकसान हो सारी बात है। ये तो महकमे को यही देखे, 8 साल से हमने पिछले दिन उसका एक वकुआ यहाँ से सुना, उसने यहाँ से एक टोका पकड़ा कि ये शाह ये मस्जिद है, ये अगली मस्जिद है, उसके कारी साहब के जो है माम साहब को लेके वो पड़ गया वहाँ पे, अंदर जो तालबा थे उन्होंने बचाया कारी साहब को, इसके घर वाले आके हाजी साहब वो कारी साहब से माजरत भी करके गए। देखे 8 साल से एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, उसके 8 साल से वो यानी कि अपनी ड्यूटी पे ऑन है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं है। महकमे को चाहिए था कि उसे मतलब पुष्ट बनाई करते, अगर उनके उनका मेडिकल उसका करवाया जाता प्रॉपर, यानी ये इसमें महकमे की नाअहली हम लोग कह सकते हैं। है बिल्कुल है, ये तो उसके एसएचओ को चाहिए ना, वो इस्लामपुरा में ड्यूटी करता है, ये उसके मुतलका थाने जिस एसएचओ के मुतलका यानी कि जिसके वो महतायद है उसको ये चीज़ें चाहिए थी ना कि वो देखे इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है या जो भी मामला है इसको देखे अच्छे तरीके से हैंडल करें। अच्छा, बताया जा रहा है कि उसे वर्दी से इतनी मोहब्बत थी, चाहे पैंट पहन ले, चाहे शूज़ पहन ले, चाहे सिर्फ शर्ट पहन के निकला है, लेकिन उसने यूनिफॉर्म का एक हिस्सा लाजमी पहनना होता था। बिल्कुल, मेरे पास जब भी आता था कभी शर्ट पहनी होती थी कभी पैंट पहनी होती थी, जरूर मुझे मिलकर जाता था, क्योंकि दोस्त सबसे मेरा, ये तो अभी बच्चे इनको नहीं पता, हर किसी का अपना माइंड होता है। सुने कि वो अपनी बाइक के ऊपर पेशावर चला गया था यूनिफॉर्म पहन के, जी इस कदर उसका मेंटली जो है ना वो खत्म हो गया हुआ था, मतलब अपनी बाइक के ऊपर वो पेशावर चला गया था। उसके घर वालों अहले खाना को किसी ने बताया कि आपका लड़का यहाँ पे पेशावर में घूम रहा है, पेशावर में, पेशावर से लेके आए उसे भी, जी बाइक के ऊपर गया है। यानी इसमें हकीकत है कि यानी आईजी साहब झूठ नहीं कह रहे, वो मरी भी जा चुका है बाइक पे निकल के, जी आईजी साहब झूठ नहीं कह रहे, उसका मेंटली तो बिल्कुल खराब हो चुका है। बिल्कुल आईजी साहब मतलब ठीक कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है कि हो सकता है कि ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा मोहल्लेदार, क्योंकि बेहतर मोहल्लेदार जानते हैं, मोहल्लेदारों ने मौका दिया है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल यानी खराब है सच में, लेकिन उससे पहले वो ठीक था, उससे पहले आप लोगों के साथ क्रिकेट वगैरह भी आप बता रहे थे, खेलने जाता रहा, बैठता भी रहा महफिलों में, मोहल्ले में कोई लड़का पकड़ा जाता था, कोई छोटा मोटा काम होता था, किसी की बाइक पकड़ी जाती थी वो जाके साथ हेल्प करवाता था, बच्चे वगैरह भी हैं उसके, हाँ फोन करता था, अगर उसकी जाने की हिम्मत नहीं वो फोन करता यार मेरी जाके बात करवा दो, फोन कर देता था। मैंने एक दफा मेरी बाइक पकड़ी गई है, ये मस्जिद के बिल्कुल साथ बराबर घर उन्हीं का था, मस्जिद मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई थी, नंबर नहीं लगा हुआ था, ये बादाम बाग वाला ने पकड़ ली, मैंने उसे फोन किया, उसने यार मेरी मुंशी से जाके बात करवा, मैंने मुंशी से बात करवाई, उसने कहा कौन, मैं कहा यार शाहिद जाट है मेरा भाई है, उसने बात की, उसने कहा यार इसे खर्चा मर्चा दे दे छोड़ दे, मैंने आके उसको दे दिया छोड़ दिया। मेरी यही है आईजी साहब से, या यही होती है, आइए आईजी साहब से यही है कि ये इतनी है या कर ली कि आपके कहने पे छोड़ दिया खर्चा दे के, आईजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, लेकिन जिसने नजरसानी की जाए केस पे और उसके सारी बातें, बच्चे फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है, लाजमी है, वालिदैन भी है, वालिदैन वालिद सुने के मतलब डेथ हो गई, जी डेथ हो गई है, इतना अरसा हो गया, ये तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, उस चीज की भी परेशानी, सारी बात परेशानी है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन जा रही है, महंगाई जा रही है, हर दौर में हर बंदा परेशान है, ठीक है ना। आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, सीसीपीओ लोर साहब से रिक्वेस्ट है, काइंडली नजरसानी की जाए और एज सून एज पॉसिबल उसका इलाज करवाया जाए, और काइंडली उसको जो भी मरात हैं उसकी जो भी पे हैं उसकी ड्यूज हैं वो काइंडली बाहर की जाएँ। अच्छा, एक जैसी वकुआ जैसे ही होता है, रात को गालियाँ दी जाती है, आप लोगों के सामने वीडियोज आती है, आप लोग एकदम परेशान नहीं हो जाते कि ये तो वही है जो हमारे साथ, मेरे पास वीडियो आई, मैंने थोड़ी बाद वो यहाँ पे आके बैठा हुआ था। अच्छा, वकुए के बाद फौरी आ गया, यहाँ बैठा हुआ था, हमें नहीं पता था कि वो ये वकुआ करके आ चुका है,
ये वकूआ शाम को वायरल हुई है वीडियो, उससे पहले वो शाम दोपहर को जब इधर बैठा बड़ा गुस्से में था और उसने आगे यहाँ पे बोतल भी तोड़ी है। अच्छा, गुस्से में यानी उसी चीज़ का गुस्सा यहाँ पे आके निकाला, यहाँ पे आके उसने निकाला है, बोतल भी तोड़ी है और हमारे पास इधर बैठा रहा है। मोहल्ले में किसी को उसने कोई नुकसान नहीं दिया। आपने वीडियो देखी फेसबुक पे? आपने जब हमने रात को फेसबुक पे वो वीडियो देखी तो फिर हमने हम समझे कि ये रात को इसलिए दोपहर को इसलिए हरकत कर बैठा ये, कि इस वजह से ये गुस्से था कि ये बोतल इसलिए तोड़ा था कि ये वो जो गुस्सा इसके साथ ट्रेजेडी हुआ हुआ इस वजह से। जी यानी जब आप लोगों ने फेसबुक पे, आप लोग तो वैसे ही परेशान हो गए होंगे कि यार ये तो अच्छा खासा था, मतलब दोस्त है हमारा अरसा के, तुझे 25-30 साल थे, ये मोहल्लेदार भी है, ओवरऑल चीज़ें फैमिली, यानी फैमिली रिलेशन होंगे, फैमिली फ्रेंड हैं तो बड़े मामला हैं, ठीक है ना, हर बंदे से गलती होती है, उसे भी हुई है, चाहे वो उसने जाने में किया या जाने में किया है। अगर बंदा सारी बात है कि अगर यूट्यूब का काम नहीं था यूट्यूबर का कि एक बंदे को आपने वो पकड़ा है, एक हेलमेट आपका काम, हेलमेट अगर यहाँ पे कोई गाली देगा तो आपका काम क्या है, उसको पीप करना बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो फिर वो एंकर की सारी जो है ना है सारी गलती कि उसने ना तो उसको पीप किया और ना ही उसको वो वायरल होने से रोका। अब क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप अपने तौर पे? आप यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो छोटे यूट्यूबर उठ के आते हैं इसी तरह की हरकतें करते हैं और हमारे अदारों को मसले होते हैं, हमारे अदारों के साथ जो है ये इस तरह की हरकतें होती हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें कम हो। अच्छा, एक बात इन्होंने हकीकत की है कि जो शाहिद जट है ना वो शादीशुदा और तकरीबन अरसा दराज से वो शादीशुदा और उसके 5 बच्चे हैं। अब उन 5 बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, क्या क्या उन्हें ताने सुनने को मिल रहे होंगे, उसकी बीवी का क्या सुनने को मिल रहा होगा, उसकी वालिदा जो पहली वालिदा भी बताया कि 7-8 महीने पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अब उसके जो ख़ानदान है किस कदर परेशान होगा क्योंकि वो सामने आने को तैयार नहीं है। कोशिश की थी कि उनसे बात करने की लेकिन उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करना चाहते, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। लेकिन ये सारे मोहल्लेदार हैं, ये उसके हक में बोल रहे हैं कि उसका इलाज प्रॉपर पहले ही करवाना चाहिए था। अब जो एक्शन लिया गया है, अगर ये अदारा पहले एक्शन लेता तो ये सूरत हाल पेश ना थी। और ऐसी हकीकत है इस बात में, खुदा ना खास्ता 8 साल वो ड्यूटी पे रहे हैं और 8 साल ड्यूटी के दौरान हो सकता है कोई ऐसा वकूआ रूनमा हो जाता, बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार भी रहा, उसी पुलिस ऑफिसर को ही ठहराया जाना था क्योंकि बड़े अफसरान अपने ऊपर से वो क्या कहते हैं मिट्टी झाड़ लेते हैं कि हमारा तो कोई हाथ पल्ला ही नहीं है। अब फंस तो बेचारा वही गया है, बाकी अल्लाह ताला सब पर रहम करे और उम्मीद है कि आईजी साहब ने जो फैसला लिया है उस पर कायम रहेंगे और जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाएंगे और जल्दी उसे बाहर देखा जाएगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।